अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे इस चैप्टर के जो वेरी लास्ट टॉपिक्स हैं उसमें है यूसेज ऑफ इथाइन। इसमें आप देखिए कि इथाइन को ऑक्सीएसिटाइलिन टॉर्च है जो जिसको यूज़ किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग मेटल्स में। यानी कि आप अक्सर देखा हो कि जो मेटेलिक पार्ट्स होते हैं उनकी जो उसको मेल्ट करके इस टॉर्च के थ्रू जो है उनको वेल्ड किया जाता है या फिर कट किया जाता है मेटल्स के पार्ट्स को, ठीक है। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एसिटिक एसिड एंड एसिटाइल्डिहाइड, फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स लाइक पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीविनाइल एसिटेट, पॉलीविनाइल ईथर्स और लॉन एंड नियोप्रीन रबर। ये डिफरेंट तरह के केमिकल्स हैं जो उनको प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है इथाइन को। टू प्रिपेयर एसिटाइलिन टेट्राक्लोराइड अ सॉल्वेंट फॉर वार्निशेस रेजिन्स एंड रबर एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। जी, तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो कि बिल्कुल हमारे इस चैप्टर का एंड है, जिसको किसी हद तक हम लोगों ने पहले भी इस चैप्टर में देखा है, वो है जी कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कीन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स। अच्छा, अगर हम यहाँ पर देखें अल्कीन्स हैं जो अल्कीन्स की बात करें तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जबकि अल्कीन्स और अल्काइन्स दोनों अनसैचुरेटेड हैं। तो उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है अल्कीन्स मोर देन अल्काइन्स और मोर देन अल्केन्स, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिविटी है वो है अल्कीन्स की, उससे लेसर है अल्काइन्स की और उससे कम अल्केन्स। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन भी आया होगा, लेकिन हम लोगों ने जब वन बाय वन इनकी अल्केन्स और अल्काइन्स की रिएक्टिविटी के बारे में देखा था, तो हमने इनके पाई बॉन्ड के लिहाज से इसको देख लिया था कि अल्कीन्स हैं जो वो अल्काइन्स से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होती हैं। आल्दो के जो अल्काइन्स हैं उनके अंदर दो पाई बॉन्ड होते हैं, लेकिन अल्कीन्स में एक। अब इसलिए क्योंकि अल्कीन्स के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएजेंट्स होते हैं उनसे वो ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जबकि इन केस ऑफ अल्काइन्स क्या होता है कि एक तो बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाती है और किसी हद तक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इतने एक्सपोज नहीं होते, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स की तरफ जो है वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, एफिनिटी शो नहीं करते। जबकि अगर देखा जाए रिएक्टिविटी को इन अ सेंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स, तो वो उस केस में जो अल्काइन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कीन्स। और अल्कीन्स में तो आपने देखा है कि वो सैचुरेटेड होते हैं, और दूसरा ये कि वो बिल्कुल इनर्ट होते हैं क्योंकि उनकी तमाम वैलेंसीज जो होती हैं वो सेटिस्फाइड होती हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी जो होते हैं वो लाइन जॉइनिंग ऑन द टू न्यूक्लियाई के ऊपर जब उनकी मैक्सिमम डेंसिटी होती है और वो उस तरह से एक्सपोज नहीं होते, दैट्स वाई दे आर वेरी इनर्ट।